एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और सो गई थी, बहुत तेज की नींद आई थी, बहुत जोरों की। अपना रेसिपी वीडियो शूट किया, खाना खाया और उसके बाद से हम लोग सब लोग सो गए थे, मतलब सारा घर ही सो गया था। और उठे तो देखे बहुत जोरों की बारिश हो रही थी बाहर, जो है बारिश काफ़ी तेज़ है। अभी चाय पी और इनके लिए मुरमुरे सेके क्योंकि इनको भूख लग रही थी, तो चलते हैं मुरमुरे देते हैं इनको। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। देखते हैं, दिया जो है कमरे में पढ़ाई कर रही हैं और आज दिया को दिया के पापा पढ़ा रहे हैं। दिया गेम खेल रही है, दिया को कंप्यूटर में कुछ नया पढ़ाना था तो मैंने इनको बोला था कि जो कंप्यूटर वाली चीज़ें हैं वो आप पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं रिटन पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर वाली ड्यूटी आपकी है। तो दिया को सिखा रहे हैं और बच्चों में मतलब एक्टिविटी है बुक्स में कि बच्चे गेम्स कैसे खेलते हैं कंप्यूटर के और बाकी यूजेस क्या है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप बताते रहो, समझाते रहो। तो दिया को यहाँ छोटे वाले लैपटॉप पर लेकर बिठाया हुआ है। दिया क्या कर रही हो? गेम खेल रही। दिया को गेम खेलना सिखा रहा है, दिया का टाइम पास भी हो ना, इनके तो मज़े हैं, गेम खेलना सीख रही हैं। कौन सा गेम है बेटा? कहाँ से निकाले गेम? मज़ा आ गया दिया को तो। दिया गेम खेल रही है, हम लोगों ने चाय पी ली, मूंगफली डालेंगे मुरमुरे में, तो इनको मुरमुरे के साथ मूंगफली पसंद है और मूंगफली हमेशा मेरे कमरे में अवेलेबल रहती है, भुनी मूंगफली, तो वो डाल देती हूँ। तो हमेशा मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है इनकी कमजोरी। 2-4 डब्बे हमेशा होते हैं बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और भुनी हुई मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर इस डब्बे में, जैसे मैं क्वारंटाइन से फ्री हुई थी, जिस दिन मैंने फर्स्ट लंच बनाया था आप लोगों से शेयर किया था, उसी दिन मैंने 1 किलो मूंगफली भून कर इस डब्बे में डाली थी, तो ये अभी तक पड़ी हुई है। तो ऐसे ख़राब भी नहीं होती, भून कर रख देती हूँ इस तरह से एयर टाइट डब्बे में, तो कमरे में रहती है तो लेकर खाते रहते हैं। तो अभी चल रही है, ये ख़त्म होगी, फिर जब महीने का बाजार कराऊंगी फिर उस मूंगफली आएगी तो फिर भून कर रखूंगी। तो कुछ यूँ होता है, 1.5 किलो मूंगफली हमारे यहाँ कमरे से ही ख़त्म हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिया खेल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। और आप लोग को ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया था, 2-3 लोगों ने, तो उनका मुझे रिप्लाई भी करना है। और मैंने किचन में एक फ़ैन दिखाया था जो आशा जी ने बोला कि उसकी फ़ोटो भेजिए, तो उसकी फ़ोटो तो कैसे भेजी मैं वापस से आपको एक बार वो फ़ैन क्लियर से और पास से दिखा दूंगी, पर मैं ये कहूँगी कि वो फ़ैन जो है यहाँ का नहीं है, वो फ़ैन बाहर का है, वो मतलब इंडिया से लिया हुआ फ़ैन नहीं है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं फ़ैन आपको वापस से क्लियर दिखा दूँगी। डायसन, वो फ़ैन डायसन कंपनी का है, हो सकता है ऑनलाइन आपको मिल जाए आशा जी। और किचन में भी जाऊँगी तो आपको वापस से फ़ैन अच्छे से दिखा दूँगी, तो आप स्क्रीन शॉट खींच सकती हैं उसका, उस फ़ैन का जब मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर आप चेक कर लीजिएगा वो फ़ैन अवेलेबल है या नहीं है। पर हाँ, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही अच्छा फ़ैन है और सबसे बड़ी बात आवाज़ बिल्कुल नहीं होता उसमें, बहुत साइलेंटली वो फ़ैन चलता है, तो किचन में आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। रोटेट भी करता है, तो वो फ़ैन रोटेट भी करता है, गर्म हवा भी देता है, ठंडी हवा भी देता है, अभी हम लोग फिलहाल ठंडी हवा वाला चलाते हैं, जब सर्दी का टाइम हो तो उससे गर्म हवाएँ भी आती हैं, तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल फ़ैन है। देख लीजिएगा आप ट्राई करके कि आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से था। और हाँ, दीप्ति भगत जी ने कमेंट किया था कि मैंने मिठाई की फ़ाइनल पिक नहीं दिखाई, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, मैंने मिठाई की फ़ाइनल पिक नहीं दिखाई क्योंकि मिठाई का फाइनल पिक आप रेसिपी वीडियो में देख लीजिएगा, ब्लॉग में मैं दिखाना भूल गई थी और अभी वो मिठाई फ़िलहाल फिनिश हो चुकी है, 1-2 पीसेस ही बचे हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ यहाँ पर, अदरवाइज़ मैं दिखा देती। और मिठाई हमारे यहाँ बनती है तो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है सब, जो है मतलब आराम से 1-1, 2-2 टाइम में ही खा लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। मैंने फाइनल पिक नहीं दिखाया, आप रेसिपी वीडियो पे चेक करिएगा। और वो भुने चने की बर्फ़ी के नाम से वो नहीं है मिठाई, वो स्वीट रेसिपी है, इजी स्वीट रेसिपी, तो वो अभी मेरे चैनल पर गई है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, रिसेंट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ यूँ था, 1-2 कमेंट्स आए थे। और हाँ, आशा जी ने एक और कमेंट किया था कि मैं कसूरी मेथी कैसे रखती हूँ, क्योंकि उनकी मेथी में शायद फंगस लग जाता है, तो कसूरी मेथी कैसे स्टोर करें उसका भी वीडियो मेरे पास है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। और मैं ये कहूंगी कि कसूरी मेथी जब भी सुखाएं तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से धूप में सुखा कर रखें, कई बार क्या होता है लोग छांव में सुखाते हैं, दिया एक बार चुप हो जाओ बेटा, तो कई बार क्या होता है लोग छांव में सुखाते हैं जिसकी वजह से फंगस लगता है मेथी में,
और सबसे बड़ी बात, धूप में सुखाएं, और अगर धूप नहीं आ रही है तो आप माइक्रोवेव में चला लें मेथी को कम से कम 1 मिनट तक, जिससे कि जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, मेथी अच्छे से ड्राई हो जाएगी, तो फिर मेथी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद से उसे आप एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखें। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि जब हम मेथी को यूज़ करते हैं तो बार बार डब्बा खोलते हैं और उसमें गीला चम्मच डालते हैं या गीले हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से भी फंगस हो सकता है। तो मेथी को हमेशा स्टोर बड़े डब्बे में करें, और जो डेली यूज़ की जगह है वो छोटे डब्बों में रखें। तो छोटे डब्बे से यूज़ करें, फिर जब वो ख़त्म हो जाए तब आप उसको जो है बड़े डब्बे से निकाल निकाल के छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र करते जाएं। मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा बड़े डब्बे में रख कर सूखे जगह पर रख देती हूँ, और जो किचन के स्टोरेज वाले कंटेनर्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ डेली यूज़ के लिए, डेली सब्जियों के लिए, कि अगर ख़राब होगा तो थोड़ा सा हिस्सा ख़राब हो, पूरा हिस्सा नहीं ख़राब हो। तो ये कुछ टिप है कसूरी मेथी स्टोर करने के। और हाँ, कसूरी मेथी को लेकर एक और बात बताना चाहूँगी कि कभी कभी हम लोग मार्केट की जो कसूरी मेथी लाते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सुखाई हुई नहीं होती है। तो अगर आप वो ला रहे हैं तो आप उसे फिर फ्रिज में रखिए या फिर फ्रीज़र में रखिए उसका डब्बा, और जितनी ज़रूरत हो निकाल कर यूज़ करिए। और अगर आपको लगे कि वो नम है, उसे आप मतलब हाथों से अच्छी तरीके से क्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक और तरीका है कि गर्म तवे पे मेथी को हल्का सा भून लीजिए और फिर वो हाथों से बहुत आराम से क्रश होगी, फिर उसे सब्ज़ी में डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पैकेट वाले मेथी के लिए ये आप कर सकते हैं। बाकी अगर घर का है तो आप घर वाले को धूप ज़रूर दिखाइए, और धूप नहीं दिखा सकते तो माइक्रोवेव में चला दीजिए। तो कभी कभी इन छोटे छोटे रीजंस की वजह से भी कसूरी मेथी ख़राब हो जाती है। तो आइए, आप लोगों को आपके कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। तो अभी जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं किचन में ही थी, और मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था, किसी एक सामान की अनपैकिंग करनी थी जो कि मेरे पास आया हुआ है रिव्यू के लिए, और इसका मुझे रिव्यू वीडियो बनाना है रेसिपी चैनल के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी अनपैकिंग मैं आप लोग के साथ कर दूं। और साथ ही एक और चीज़ है जो अमेज़न से हमने मंगाई है वो अपने यूज़ के लिए, किचन में यूज़ के लिए, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ कि मैंने पहनी हुई है साड़ी काफ़ी दिनों बाद, मतलब शायद 5 से 6 महीनों बाद मैंने पहनी होगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी देख के खुश हो रहे थे कि माँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। मोना तो खासकर खुश हो रही थी कि माँ आज आपने पिंक पहना है, तो वो ऐसे करके जो है बार बार चिपक रही थी। तो मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ सामान की अनपैकिंग की। और कल जितना ब्लॉग बनाया था वो उतने पे ही रह गया था, उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो चलिए फटाफट से इस सामान की अनपैकिंग कर लेते हैं। और ये क्या है ये मैं बता दूँ, ये है गीक रोबो कुक। तो रोबो कुक है एक तरह का प्रेशर कुकर है जो कि शायद इलेक्ट्रिक से चलता है। तो चलिए फटाफट इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या आया है, क्योंकि मैंने वे भी खोला नहीं था और मुझे सिर्फ इसका मेल आया था कि ये मतलब डिलीवर होने वाला है। तो मैंने कहा जब भी अनपैकिंग करूँगी तो आप लोग के साथ ही करूँगी। और ये इसके साथ इसका बुक है, स्मार्ट किचन असिस्टेंट, इस तरह का कुछ बुकलेट आया है इसके साथ। और देखते हैं क्या है इसमें। तो अभी जो है ये अंदर डिब्बा है, पहले जो है ऊपर गत्ते वाला डिब्बा था, फिर अंदर ये है। इसे खोल कर दिखाती हूँ आप लोगों को, और काफ़ी अच्छी पैकिंग है, आप देख रहे हैं काफ़ी सेफ्टी से आया हुआ है। और अंदर एक और बुकलेट है, ये कुकर काम कैसे करेगा इसके बारे में पूरा जो है मतलब इन्फॉर्मेशन है, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। चलिए पहले ये खोल लेते हैं। वाह, काफ़ी बड़ी चीज़ है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। चलिए इसे पूरा खोल कर देखते हैं। पर जैसा कि आप देख रहे हैं हम दोनों ही इसकी अनपैकिंग कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो वायर्स वगैरह हैं, और ये शायद अच्छा ये पकड़ने के लिए है, सिलिकॉन के इस तरह के कप्स हैं पकड़ने के लिए, और स्पून भी है इसके साथ, और मेजरिंग कप भी है मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा ये पार्ट है, और ये फुली नॉन स्टिक का है जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है नॉन स्टिक का ये पार्ट, और इसी में कुछ भी कुक करना हो तो वो इसी में होगा। ये पूरा एक ही में है, तो ये पूरा एक पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। तो गीक रोबो कुक नाम है ये, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जो अभी मुझे खुद पहले समझना पड़ेगा, और ओपन क्लोज ऐसे करके अलग अलग ये दिए हुए हैं। साथ ही ये इस तरीके से है इस साइड, और इसका ढक्कन देखते हैं
और ढक्कन भी इसका एकदम अलग तरीके का है, काफ़ी स्टाइलिश है, जो देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो है आया है रिव्यू के लिए, तो रिव्यू वीडियो कब बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, वो आप लोग को मेरे रेसिपी चैनल पे मिल जाएगा। मैंने कहा ब्लॉग वाले सब्सक्राइबर्स के लिए भी, आप लोग के व्यूवर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा देखकर। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें क्या और कैसे बनाते हैं, जैसे कोई प्रेशर कुकर यूज़ होता है बिल्कुल इसका यूज़ वैसे ही करना है। तो देखा आप लोगों ने कैसा लगा ये गीक रोबो कुक, बताइएगा। और इसका जो रेट्स वगैरह है वो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है। अभी सिर्फ गीक रोबो कुक जो है मुझे डिलीवर हुआ है वीडियो बनाने के लिए, तो देखते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है। जो भी वीडियो बनाऊंगी वो मेरे रेसिपी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और मंगाई थी, मतलब अपने खुद के पैसों से अमेज़न से, वो है ये स्पाइस बॉक्स। तो इस तरह का ये जो है स्पाइस बॉक्स है, और वीडियोस में वो प्लास्टिक वाले बॉक्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इनको बोला कि मेरे लिए ऑर्डर कर दो, तो अमेज़न पे देख के ऑर्डर किया था। और कांच का लिड है इसका, साथ ही इस तरह के इसमें 12 खाने हैं स्पाइसेस के लिए, तो चाहे मतलब पाउडर वाले स्पाइसेस रखिए, चाहे ड्राई सूखे मसाले रखिए, कैसे भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही किए स्पून बहुत अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत अजीब सी है स्पून की, तो मुझे अपना स्पून रखना पड़ेगा, एक स्पून आया है। तो ये स्पाइस बॉक्स है, तो इसका भी अगर आप लोग को रेट चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। तो इसे देखते हैं कब यूज़ करते हैं, इसमें स्पाइसेस वगैरह भरूंगी और वीडियोस में यूज़ करूंगी, तो मैंने कहा कि चलो जो है आप लोगों के साथ भी ये दो चीज़ों की अनपैकिंग करनी थी, शेयर कर देती हूँ। और आज मुझे कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं करना था, तो मैं थोड़ा सा फ्री थी, मैंने कहा साड़ी पहन लेते हैं, कुछ घर के एक्स्ट्रा काम निपटा लेते हैं। तो घर के भी कुछ एक्स्ट्रा काम, साफ़ सफाई का किया अलग से, मतलब अपना जो अंदर वाला बाथरूम है वो मैंने क्लीन किया, और साड़ी पहन ली। मैंने कहा कि जब वीडियो नहीं बना रहे हैं तो दो तीन जो है एक्स्ट्रा वाले काम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मैं रेसिपी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं उसके लिए। तो कुछ यूँ सीन है, और अब खाना वाना खाएंगे। और आज हमारे घर में खाने में साउथ इंडियन प्लेटर बना है, नारियल की चटनी अलग टाइप की एक बनती है लाल मिर्च के साथ। तो रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि चटनी दीदी ने बनाई, मोर बना है जो छाछ का बनता है, साथ ही मोटे वाले चावल जो साउथ में खाए जाते हैं जिसको कि सेला चावल बोलते हैं, पार बॉयल्ड राइस जो होता है वो बने हैं। साथ ही मैंने अपने लिए रोटियां बनाई है, आलू कतली की सब्ज़ी बनाई है दिया के लिए और अपने लिए, क्योंकि नहीं दिया के लिए नहीं मतलब मोना के लिए, दिया तो हमारी मोर प्रेमी है, मोना मोर नहीं खाती, तो मैं और मोना ये खाएंगे। तो ऐसे करके, और मैं साउथ इंडियन खाना बहुत कम खाती हूँ, खासकर ये राइस और चटनी वगैरह। मुझे इडली पसंद है, डोसा पसंद है, पर ये सारी चीज़ें उतनी पसंद नहीं है। तो बस कुछ यूँ है सीन आज का, और अभी दोपहर के लगभग 1:15 हो रहे हैं, तो सब खाना वाना खाएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ इसके बाद। तो इस समय मैं हूँ छत पर और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं बाल बाल उड़ रहे हैं। और मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और इस समय मैं यहाँ 3rd फ्लोर पर हूँ और हम लोग सब साथ में आए हैं, बच्चे भी हैं। मोना हाय करोगी? हाय। तुम्हारा हाय कोई नहीं सुन रहा वहाँ से, उतनी दूर से हाय कोई नहीं सुनता, हाय करने के लिए पास आना पड़ता है। दिया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से हाय करो। हाय। मोनू तुम भी आओ। तो दिया मोना सब है मेरे पास, हमने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा छत पर घुमा देते हैं, मौसम अच्छा हो रहा था इसलिए जो है, और अच्छा लग रहा था आज। इस समय ऐसा लग रहा कहीं बारिश वारिश हो रही होगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा छत का मज़ा ले लेते हैं। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ उस दिन मैं बहुत कूल फील करती हूँ, ऐसा लगता है पूरे दिन टाइम ही टाइम है, और एक वीडियो बनाने के चक्कर में जो है बहुत टाइम लग जाता है। सबसे बड़ी बात, आज अभी तक एडिटिंग पे बैठी ही नहीं, इसलिए जो है थोड़ा सा शांत शांत सा लग रहा था। तो इसलिए मोना क्या कर रही हो? मोना की जो है कुचरनी चलती रहती है, आते ही शुरू हो जाती है। मोना क्या नहीं दिया, ट्राई साइकिल चला लो बेटा। और चॉकलेट किसको किसको खाना है, आपको खाना है? चॉकलेट इनकी तरफ से चॉकलेट है जो आप लोग खा लीजिए, दे दो बुआ को दे दो, एक हम खा लेते हैं। मोना ने आज रिफ्यूज़ कर दिया चॉकलेट खाने से, मोना नहीं खाएगी, नहीं नीचे जाके जेली देंगे मोना को। दुबई से मैं बहुत सारी जेली लेकर आई थी जो बच्चे खाते रहते हैं टाइम टू टाइम, इन्हीं लोगों के लिए है, बच्चे खाते ही रहते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। छोटी सी डेयरी मिल्क छोटी छोटी वाली थी मेरे पास फ्रिज में, तो मैं आते समय लेकर आ गई थी कि चलो बच्चे खाते रहेंगे, इस बहाने हम बड़े भी थोड़ा सा खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे खाना नहीं चाहिए, वेट बढ़ता है, पर फिर भी जो है खा लेते हैं थोड़ा सा। आप खा लिए? नहीं क्यों?
अरे थोड़ी तो दिया के पापा शर्मा रहे हैं खाने से, बहुत बहुत मोटे हो रहे हैं। दिया के जी पापा मोटे हो रहे हैं इसलिए। मोटे पापा मेरे। बात तो सही है। फैट मैन। दिया हटा दो बेटा। फैट फादर। उधर फेंक दो, उधर फेंक दो। और हाँ एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि हमारे सेकंड फ्लोर पे एक फैमिली रहने आ गई है, तो अच्छा लगता है हम लोग ऊपर आते हैं तो उन लोगों से भी मिलते जुलते रहते हैं। काफ़ी अच्छी फैमिली है, उनके बच्चे हैं बड़े बड़े, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अच्छा लगता है इस तरह से। ऐसा लगता है घर में ही एक फैमिली रह रही है हमारे साथ, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी बता देती हूँ और किसी दिन ब्लॉग में मिलवाऊँगी उन लोगों से। उनके घर में एक छोटा सा डॉगी है जिसका नाम है पिस्टल, मतलब फीमेल डॉगी है पोमेरियन, तो दिया मोना के लिए खिलौने से हो गया है। जब ये लोग ऊपर आती हैं तो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ पे वो डॉगी होती खेलती रहती है। अभी दिया और मोना आई तो वहाँ रुक गई थी, मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलते हैं बाद में आना, तो अभी ये लोग जाएंगी तो वहाँ नीचे रुकेंगी, वहाँ खेलेंगी पिस्टल के साथ फिर जो है। और मेरे पास पता है एक सीधा साधा डॉगी है जो भाव भाव भी नहीं कहता और हड्डी भी नहीं खाता, बॉल भी नहीं खेलता, वैसा छूने वाला डॉगी है। हां वो टैपी की बात कर रही हूं। हाँ, और उसका नाम है टैपी। बाबा ने चलिए बच्चे खेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ झूले पे, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी जो है ये जगह आपको दिख रही है, ये हमारे सेकंड फ्लोर की जगह है जहाँ के मैंने बताया कि हमारे घर में न्यू रेंटर आ गए हैं, तो ये उनकी फैमिली है और दीदी हैं जो दिया और मोना को लेकर साथ में चली गई थी नीचे पिस्टल के साथ खेलने। तो वो छोटी सी जो डॉगी दिख रही है पिस्टल उसका नाम है, तो ये हमारे बच्चे पिस्टल से बहुत ज़्यादा हिल मिल गए हैं और जब ये ऊपर आते हैं तो जाते रहते हैं। और छत पर जो है मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो बाकी जो है ये लोग नीचे चले गए थे, तो ऊपर से ये शूट कर रहे थे पिस्टल का वीडियो कि आप लोग भी पिस्टल से मिल लीजिए, छोटी सी है पर बहुत प्यारी है। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और भैया हैं, भाभी हैं, उनकी बेटी है, तो इस तरह से करके फैमिली है। दो बेटे भी हैं जो अभी यहाँ पर वीडियो में नहीं है, और मैंने जो है ऊपर से ही ये सारी क्लिप बना ली थी। पिस्टल को अभी यहाँ पर नज़दीक से दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी नीचे उतर कर आ गए थे कि थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, बात बात करेंगे, उसके बाद से नीचे चले जाएंगे। तो मैंने इसके बाद से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।